हेलो गाइस, मैं हूं नीलम। वेलकम टू किचन आपका। आज खुलेंगे सारे राज, ढाबे वाले किस तरीके से पनीर मसाला की रेसिपी बनाते हैं। तो एंड तक हम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे, विद टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताते जाएंगे। देखते रहिए वीडियो को एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। एक बॉल में एक टेबलस्पून मैंने वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है, कश्मीरी लाल मिर्च एक टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून और ड्राई रोस्टेड मेथी थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार। ये फ्रेंड्स पनीर क्यूब्स मैंने ली हैं। ध्यान रखेंगे ये क्यूब्स को हमने थिक ही रखना है। ये 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है और इस तरीके से सभी मसाले मिक्स कर लिए। सभी पनीर क्यूब्स इसमें मिक्स कर देंगे और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि पनीर क्यूब्स हमारी टूटे नहीं। अब हम कुछ मसाले हैं इनको हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे और आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ये पैन में मैंने 1/2 टेबलस्पून देसी घी लिया है और 2 टेबलस्पून बेसन इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से पकाएंगे फ्रेंड्स, अच्छे से रोस्ट करेंगे तभी इसका टेस्ट बढ़िया से आ पाएगा। ये देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो गया है तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। ये ढाबा स्टाइल बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई ली है। 2 स्मॉल लैडल मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है, 1 तेजपत्ता, 3 साबुत लाल मिर्च, इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे और ये 2 टुकड़े छोटे मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं, 3 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 मोटी इलायची और 1 टुकड़ा जावित्री का भी मैंने ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे और 1 टेबलस्पून जीरा इसमें ऐड कर देंगे। जीरे को भी अच्छे से रोस्ट होने देंगे इस तरीके से। और ये आप देख सकते हैं ये प्याज मैंने लिया है चॉप किया हुआ, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप नहीं किया है, इसको थोड़ा मोटा ही रखा है। सभी को कढ़ाई में ऐड करके अच्छे से पकाएंगे। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। सभी को अच्छे से पकाते जाएंगे। ये अच्छे से मसाले को पकाना फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है। मेरे को ऑयल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें और ऐड कर दिया है, क्योंकि ये मसाला हमें अच्छे से रोस्ट करना है। आप देखें, चलिए इधर हम अपनी एक मैजिक स्लरी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, देगी रेड चिल्ली 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून। ये हमारी सब्जी की जान है। और ये मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और ये ड्राई रोस्टेड मेथी 2 टेबलस्पून। इसको हाथों से इस तरीके से रब करके ही इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये फ्रेंड्स मैंने 1 लैडल पानी की ऐड की है। पानी का ध्यान रखेंगे जब भी ऐड करें, गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी हम किसी चीज़ में ऐड नहीं करने वाले। ये देखिए बहुत ही अच्छी मैजिक स्लरी बन के तैयार है। इधर हम प्याज देख रहे हैं, प्याज भी अच्छे से भून रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए आप, इसको मैं अच्छे से स्टर करते हुए पकाती जा रही हूँ और अब टाइम है इसमें ये मैजिक स्लरी ऐड करने का। ये देखिए ये मसाला पेस्ट बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट लेकर आएगी।
उसी कटोरी में थोड़ा सा गर्म पानी मैंने ऐड करके इसमें डाल दिया है। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। आप देखें इसको डालते ही सब्जी किस तरीके से एकदम कलर भी आ गया है और खुशबू तो मेरी किचन में आ ही रही है। ये देखें एकदम डालते ही इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं टमाटो प्यूरी। ये मैंने 3 टमाटो की प्यूरी इसमें ऐड की है फ्रेंड्स। अगर छोटे हैं तो आप 4 या 5 ले सकते हैं, बड़े टमाटर हैं तो आप 3 ही लीजिए। इसको भी अच्छे से रोस्ट करेंगे और नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार और अच्छे से इसको स्टर करते हुए पका लेंगे। ग्रेवी का पकना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब हम इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए मसाला कितना बढ़िया भून के तैयार हो रहा है और अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने बेसन को रोस्ट करके रखा था। फ्रेंड्स ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका आप ध्यान रखिए और पनीर मसाला की ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। ये जो हमने बेसन को देसी घी में भुना है इससे इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है। तो आप देखिए बहुत अच्छे से ये मसाला हमारा पक रहा है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं 4 टेबलस्पून दही। ध्यान रखेंगे जैसे ही हम दही ऐड करेंगे स्टर करते हुए अच्छे से मसाले को पकाएंगे। जब भी आप दही ऐड करें तो फेंट कर ही इसमें ऐड करें। 1 मिनट के लिए हम कवर कर देते हैं और 1 मिनट बाद चेक भी कर लेते हैं। आप देखें मसाला कितने अच्छे से तैयार हो रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखें कि मसाले को आपने हमेशा अच्छे से पकाना है। कई बार हम घर में मसाला पकाते हैं तो उसको अच्छे से नहीं पकाते हैं तो हमारी सब्जी में ढाबे जैसा या रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आ पाता है। इसलिए मसाले को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने 1 कप पानी इसमें ऐड किया है और पानी मैंने जो ऐड किया है वो गर्म पानी ही ऐड किया है। इससे टेस्ट जो है सब्जी का वो बैठता नहीं है, इन्हेंस होके सब्जी बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। आप हमेशा गर्म पानी ही ऐड करें जब भी ऐड करें सब्जी में। तो चलिए इसको अब हम कवर करते हैं 2 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। ये देखें सब्जी बहुत ही बढ़िया तैयार हो रही है, ऑयल भी छोड़ दिया है और ये अभी आपको जो ग्रेवी पतली लग रही होगी लेकिन ये ठंडे होने पे बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने बेसन ऐड किया है। अब इसमें चॉप कोरिएंडर ऐड कर देते हैं और इसमें अभी और भी चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं तभी ये पनीर मसाला ढाबे स्टाइल बनकर तैयार होगा। ये इसमें पनीर क्यूब्स मैरिनेट किए हुए ऐड करते हैं। धीरे धीरे आराम से ऐड करनी है ताकि ये टूटे नहीं। ये देखें ऐसी सब्जी आपने बनती देखी है, मुझे मालूम है आप भी ऐसे घर में एक बार ज़रूर बनाएंगे। तो आप बनाइए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। ये ढाबे वालों का एक सीक्रेट मैं आपको और बताती हूँ। ये मैंने कच्चा प्याज चॉप किया हुआ इसमें ऐड किया है और इस तरीके से टमाटर के टुकड़े इसमें ऐड करेंगे और ग्रीन चिल्ली इस तरीके से स्लाइस करके ऐड करेंगे। इससे टेस्ट आप देखिए आपको बिल्कुल ढाबे स्टाइल आने वाला है। बहुत ही बढ़िया ये सब्जी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन के तैयार हुई है। फ्रेंड्स अब टाइम है इस सब्जी को सर्व करने का। अभी भी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे इस सब्जी को हम कैसे गार्निश करेंगे, वो भी मैं एक स्पेशल तरीका आपको बताने वाली हूँ। देखते रहिए वीडियो को एंड तक। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये पनीर मसाला तैयार हुआ है और इसको हम इस तरीके से फ्लावर से डेकोरेट करेंगे।
ये फ्लावर हमने किस चीज़ का बनाया है? ये मैंने टमाटर को छील के इस तरीके से ये टमाटर का फ्लावर तैयार किया है, और धनिए से भी इसको गार्निश करेंगे इस तरीके से। वाओ, मैजिक ग्रेवी के साथ ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनके आपके सामने तैयार है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल किचन आप तक को सब्सक्राइब करिए और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हम आपके लिए लेके आने वाले हैं इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया रेसिपी। सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, थैंक यू।